नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। जी हाँ, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन खबर लेकर आई हूँ। ऐसी खबर जो आपको दिल को तो अच्छा लगेगा, साथ ही आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। और खासकर ये खबर जो है लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और वो भी वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला तो है लेकिन दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है। जी हाँ, आपने कुछ नया सुना होगा, लेकिन ये कुछ नयापन, कुछ बेहतरीन आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। और इसी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। अब ये मैच कब है, कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो इसके हिस्सा हैं, जो इसको बेहतरीन बनाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माथुर जी से, जो मीडिया प्रभारी हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो सर, पहले नमस्कार, आप क्योंकि यहीं पर हैं और इसकी जानकारी आप मुझे लगता है बखूबी देंगे। देखिए, अभी आपने देखा कि औसिम क्षेत्रपाल जी ने बताया कि ये दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप कराने का आइडिया भगवान कृष्ण की धरती से शुरू हुआ, वृंदावन से। चूँकि मैं मथुरा वृंदावन से MLA रहा हूँ 20 साल, और 4 टर्म रहा हूँ। औसिम क्षेत्रपाल हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लाल गोयल हमारे पुराने मित्र हैं, जिशान हैदर हैं, और ये हमारे भतीजे हैं रजत माथुर। वी ऑल प्लान कि वी शुड डू समथिंग फॉर द क्रिकेट, पर्टिकुलरली दिव्यांग लोगों के लिए एक वर्ल्ड कप किया जाए। और वर्ल्ड कप की, क्योंकि हमारे औसिम क्षेत्रपाल लखनऊ के रहने वाले हैं और मेरा भी लखनऊ से बहुत लगाव है, 20 साल में लगातार यहाँ से रहा हूँ, तो हमने सोचा कि वर्ल्ड कप की शुरुआत लखनऊ की सरजमी से हो। और वो यहाँ के जो दो बेस्ट स्टेडियम्स हैं, इकाना स्टेडियम और KD सिंह बाबू स्टेडियम, उसमें ये प्रायोजित किए जाएँ और किए जाएँ। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है, और इसका बिगुल आज आप लोगों के बीच में प्रेस चौथे स्तंभ जो कहलाता है मीडिया, उससे आज हमने आप लोगों के सामने शुरुआत करी है, अनाउंसमेंट की है, घोषणा करी है लखनऊ की सरजमी से कि इंशाल्लाह हम कामयाब हों और हम लोग दिव्यांग वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट लखनऊ से शुरू करें। उसमें तमाम देशों की टीम भाग लेगी। इस संदर्भ में हम उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब से भी मिल चुके हैं, और तमाम लिखा पढ़ी जारी है। औसिम क्षेत्रपाल दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड के सारे चेयरमैन और पदाधिकारी लगे हुए हैं। हम सब लोग तो गोवर्धन पर्वत की तरह अपनी लाठी लगाए हुए हैं गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, और मैं समझता हूं कि हम लोग कामयाब होंगे। सुपर हिट होगा ये दिव्यांग वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट, और इसके बारे में आपको औसिम क्षेत्रपाल, लाल गोयल और ज़्यादा बताएंगे, इनसे बात करिए। असीम सर, नाइस टू मीट यू। वैसे तो जहाँ तक हमें पता, आपका बर्थ प्लेस लखनऊ ही है, और साथ ही आपको घर घर में पूजा जाता है साईं बाबा के रूप में। 2001 में आपका एक सीरियल शुरू हुआ था, उसके बाद आप हर घर में छा गए, एक बार फिर से आपका लखनऊ आना हुआ। खैर, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा है ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दिव्यांग के साथ खेलना, मतलब हम इमेजिन ही अलग कर पा रहे हैं सर। बात, आप अकेले चलते हो, जज्बा हो, कारवा जुड़ता जाता है। आज जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा कारवा है। लाल गोल जी अगर बॉम्बे से आए हैं, अपने क्षेत्र में हस्ती हैं, रजत यहाँ से जुड़े हैं, हस्ती हैं, जब तक आप ऐसे कॉज के लिए लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते जिनमें जज्बा हो, जीशान है, ये लोग, इन लोगों ने कार्य किया है, इसके साथ कितने लोग अब जुड़ने वाले हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। कृष्ण ने करा क्या? कृष्ण ने कुछ नहीं किया, खाली जिंदगी में लोगों को ऊर्जा दी। तो अगर इस ऊर्जा से एक नई स्पोर्ट निकल सकती है, मेरे को याद है 5 साल पहले राव इंद्रजीत सिंह ने जो मुझे बोला कि आप ये दिव्या, ये पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करो, आज पैरा एथलीट्स सबसे ज़्यादा मेडल लेके आ रहा है, और उसमें से जितने जो टॉप एथलीट्स हैं वो साईं बाबा फाउंडेशन ने उनको बेस दिया। तो हर चीज़ पैसे से नहीं होती, पैसा देना गवर्नमेंट का काम है, वो जो ऊर्जा उनको मिलती है, उनके साथ जो बैठ के मिलती है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये ऊर्जा देने के लिए आई थिंक लखनऊ से अच्छा कोई बेस नहीं है, क्योंकि यहीं पर ही जब मशाल जाएगी तो वृंदावन से शुरू होकर अयोध्या भी जाएगी और यहाँ भी आएगी, तो जब वो मशाल चलेगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की नज़र में दिव्यांगों का नाम स्प्रेड होगा, और वर्ल्ड कप हमें लगता है कि एक अच्छा प्रोपोजिशन है।
लाल गोयल जी भी हैं, तो इनसे जानते हैं मशाल यात्रा कब से शुरू होने वाला है और ये मैच कब होने वाला है। देखिए, मशाल यात्रा जैसा इन्होंने बताया वृंदावन से शुरू हो रहा है और मैच नवंबर में होना है। मैच यात्रा शुरू होगी अक्टूबर में। और मैं लेकिन एक ही बात कहना चाहूँगा, जब मुझे प्रदीप माथुर जी ने मुलाकात करवाई क्षेत्रपाल जी से, तो मुझे एक पिक्चर की याद आई, चक दे इंडिया। जिस दिन चक दे इंडिया आई थी रिलीज, तब तक महिला क्रिकेट का कहीं नामो निशान नहीं था। उसके बाद आप देखिए आज वर्ल्ड में हम लोग चैंपियन बने और कहां से कहां उसमें हॉकी में चले गए। इसी तरह मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जो ये दिव्यांग क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल होगा और पूरा भारतवर्ष सपोर्ट करेगा। जैसे महिला हॉकी टीम को इतना सपोर्ट किया गया और आज हॉकी में हम कहाँ से कहाँ आयाम पे पहुँच गए सिर्फ एक पिक्चर की वजह से। और ये पिक्चर नहीं है, ये रियलिटी होने वाली है। तो मैं सोचता हूँ कि लखनऊ वासियों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवासियों के लिए ये अभूतपूर्व चीज़ होने वाली है, मैं पूरी दुनिया के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आज जब एक पिक्चर एक महिलाओं को आगे ला सकती है, तो ये वर्ल्ड कप, दिव्यांग वर्ल्ड कप सब दिव्यांगों के लिए, क्योंकि वो भी हम में आप में एक हैं और हमें उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मेरे को इस कार्य में जोड़ा, नहीं तो मैं तो ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ आज भी। बल्कि मैं यहाँ सरस्वती डेंटल कॉलेज में अवेयरनेस क्रिएट करने आया था डॉक्टर रजत गुप्ता जी के यहाँ, हम रजत माथुर जी के यहाँ, जब इन्होंने बताया कि यहाँ पे प्रोग्राम है और आपने हमें इन्वाइट किया, तो मैं आप लोगों के बीच हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप मीडिया में जितना इसे देखिए, वर्ल्ड कप को क्रिकेट को तो हर आदमी पूछता है, लेकिन ये वर्ल्ड कप अपने आप में एक अनोखा होगा और वो दूर दूर नहीं जब भारत का परचम सारे विश्व में लहराएगा दिव्यांग वर्ल्ड कप के लिए। रजत माथुर जी भी हैं, जैसे अगर जो ग्राउंड पे ना जा पाए उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा? हम लोग इसको OTT पे लाएंगे और दूरदर्शन से बात चल रही है और भी न्यूज़ चैनल से बात चल रही है जो इसको डायरेक्ट टेलीकास्ट करेगा। और कोशिश ये करेंगे कि YouTube पे भी लाइव करें जिससे कि बहुत सारे लोग डिजिटली जुड़ सकें इससे। ऐसा रहेगा कि बुक माई शो से हम टिकट बुक कर सकते हैं पे करके, ऐसा कुछ भी रहेगा जैसे हम लोग IPL की टिकट्स बुक करते हैं? हम लोग की कोशिश है कि ऐसी एजेंसीज जुड़ें और इस मल्टीपल एजेंसीज के थ्रू आप लोगों को ये मैच देखने का मौका मिले। लोकल संस्था से कुछ हेल्प मिली है, लोकल सरकार से कुछ हेल्प आप लोगों ने लेने की कोशिश की? आप जानते हैं कि इस सरकार में एक सेक्रेटरी हैं जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन में हमारे देश को उन्होंने रिप्रेजेंट भी करा और खिताब भी जीता, तो वो इस प्रदेश से तो बहुत उम्मीद है और हम होप करते हैं कि पूरी हम लोगों को सहयोग मिले सरकार का। ये थी जिसके बारे में उन्होंने बताया। जी सर, मेरा नाम क्या है? खुशबू सिंह। ओह थैंक यू, वेरी नाइस। एंड मुझे उम्मीद है कि आप इसे प्रोपोगेट करेंगे दिव्यांग क्रिकेट को और ये कामयाब बनाएंगे। तो ये थी हमारी हमारी जो बातें थी वो हो गई हैं। तो भैया तैयार हो जाइए, बस कुछ महीने और नवंबर में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अब तक आपने नहीं देखा। जी हाँ, इस अद्भुत नज़ारे के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं तो जाने वाली हूँ नवंबर में, आप लोग भी आइए। और इससे जुड़े सारे अपडेट्स मिलेंगे यहीं पे, तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UP Live TV। कैमरा पर्सन अमन साथ, मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।